पानीपत के मछरौली गांव के सरकारी स्कूल में 40 में से महज 4 बच्चे पास हुए हैं, जिसे लेकर गांव वालों में खासा रोष है। उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ाई की बजाय गुटबाजी का माहौल रहता है, जिसके चलते वो स्टाफ बदले जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं शिक्षक सरकार और बच्चों के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। पानीपत के मछरौली गाँव में आए सरकारी स्कूल के 10वीं के नतीजों ने सूबे के शिक्षा विभाग के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ 10वीं क्लास में 40 में से महज 4 छात्र पास हुए, जिसके चलते गांव के लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षक पढ़ाई करने के बजाय गुटबाजी में लगे रहते हैं। खराब रिजल्ट आ जी, बट टीचरों की कमी है थोड़ी बहुत, टीचरों का पूरा सुधार नहीं है जी। और आने वाले समय में ऐसी हालत हो रही है स्कूल में, मेरे हिसाब से बच्चा कोई नहीं पढ़ पाएगा, ऐसी हालत है, क्योंकि एक नहीं आपस में जातिवाद का चल रहा है। टीचर ध्यान नहीं देते, अपने पार्टीबाजी करा जाए टीचर, प्रिंसिपल की आंदा ट्रांसफर हो जाए, बढ़िया स्टाफ आवे, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं होती बस, और क्या करनी है। वहीं बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई न होने की बात कह रहे हैं। कोई पढ़ाई है जी, समोसे समोसे खाते रहे मास्टर जी सब दिन जी, कम से कम करीब 20-22 बच्चे स्कूल छोड़ गए जी। मास्टर के कारण मैं फैल होया, मास्टर पढ़ाते नहीं, कमरे में लुटे रहे हैं। गांव की सरपंच कृष्णा देवी का कहना है कि प्रिंसिपल पढ़ाई के बजाय जातिवाद पर ज्यादा ध्यान देती हैं, तो वहीं पंचायत के सदस्य के पीछे स्थानीय विधायक रविंदर मछरौली के शिक्षकों को सह देने को वजह बता रहे हैं। हमारा सरपंच था पिछले वाला, तो कह गई मेरे साथ ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, मैं तेरे को धारा लगा कर एक साल खराब हो गया बच्चे को, दोबारा उसी क्लास में जाऊंगे। सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गाँव में कोई अच्छी प्रिंसिपल आए। ये हमारे यहाँ विधायक के वहाँ माथा टेक देते हैं, वो डरते नहीं आम आदमी से या सरपंच से। विधायक मछरौली का होने के नाते पंचायत या सरपंच की कोई भी पूछताछ नहीं है, ना कोई काम कर। उधर स्कूल के शिक्षक इसका ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार शिक्षकों के तबादले, किताबें मुहैया ना होना इसकी बड़ी वजह है, और ना ही बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। एक तो फ्रीक्वेंटली जो ट्रांसफर जो गवर्नमेंट ने किया है, एक एक सब्जेक्ट को तीन तीन चार चार अध्यापकों ने पढ़ा है। एक्चुअल जो पढ़ाने का टाइम था हमारा, वो डिस्टर्ब हो गया है। अभी तक किताबें नहीं आई है, मोस्टली ये जून और जुलाई में किताबें होती है। अब हमारे पास 4 बच्चे पास हुए हैं और 4 की हमारी कंपार्टमेंट आई है। सर, हर अध्यापक ने जो है मेहनत से पढ़ाया है, बच्चे घर जाके नहीं पढ़े। जिला शिक्षा अधिकारी जल्द ही हालात सही होने का आश्वासन दे रहे हैं और जातिवाद को लेकर शिकायत आने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कुछ हमारे टीचर्स की मतलब कमी रही है, और कुछ जो है वो टीचर्स वहाँ हैं नहीं, जिनकी पोस्टिंग नहीं है, किसी की भी पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसको चेक किया जाएगा और जो भी परिणाम है उसको देखकर जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई शिकायत आएगी तो मैं देखूँगा। चाहे शिक्षकों के तबादले वजह हो, या प्रिंसिपल पर लगे आरोप, या फिर विधायक के शिक्षकों को सह, वजह जो भी हो, गलती चाहे जिसकी भी हो, इसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। ऐसे में जो भी समस्या है उसकी तह तक जाकर जल्द समाधान की सख्त जरूरत है। राकेश भयाना, जी मीडिया, पानीपत।